सबसे पहले 25.5 लाख की जो भैंस सेल हुई थी जो लक्ष्मी आंध्रा गई थी वो सिंगवा खास से ही गई। नमस्कार पशुपालक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, मैं आपका अपना दोस्त जोगन रावत। साथियों, आज की जो वीडियो है वो लेकर के आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से। साथियों, आज अर्जुन कुंगड़ का एक मेल का फोर सेल के लिए है। आज आपको उसके बारे में बताएंगे और उसकी माँ भी आपको दिखाएंगे, जो कि चैनल स्क्रीन पे दोनों माँ बेटे आपको दिख पा रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं और पता करते हैं इसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जी। सर, मैं रामकिशन, गांव अल्ली का, जिला और तहसील पलवल। जी रामकिशन जी, तो आप बताइए हमें, जो आपकी बफेलो है वो कौन से लैक्टेशन में है और क्या है, आपको बफेलो भी सेल करनी है या इसका काफ है जो वो ही सेल करना है, क्या है इसके बारे में बताइए। ये थर्ड लैक्टेशन में भी आएगी अब की बार। अब इसके आज दिन पूरे हो गए हैं, आज से 10 महीने पूरे कर लिए, बस 2-4 दिन में कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है जी। ये भैंस तो भैया सेल नहीं करनी है, तो मैंने ब्रीडिंग के लिए रखी हुई है जी। इसका काफ है, अर्जुन कुंगड़ का बच्चा है सामने है अभी, इसके पिछले दांत का, ये बच्चा सेल करना है। तो साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा अर्जुन कुंगड़ का जो भाई ने बच्चा तैयार किया हुआ है और इसी ब्यांत का जो बच्चा है, तो मैं आपको दर्शाऊंगा दिखाऊंगा कि जो भाई साहब को सेल करना है, और बहुत अच्छा बच्चा है। ब्रीडिंग पर्पज से भाई साहब ने बफेलो तैयार की है। सबसे पहले मैं आपको बफेलो की क्वालिटी दिखा देना चाहता हूँ, बिल्कुल रिंग सिंग में और बिल्कुल जेड ब्लैक। और आप देख सकते हो जो आज ही बच्चे को शायद जन्म दे देगी, आजकल में 1-2 दिन ही ले रही है, क्योंकि न्यार फूस भी जो खाना है वो भी छोड़ रखा है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मुर्रा बफेलो आप देख पा रहे हैं, जो देखिए बिल्कुल मूत्र मार्ग से लेकर के और नाभि तक अडर जाता हुआ, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग, बहुत ही इज द बेस्ट। थनों की मैं बात करूँ तो बहुत लाजवाब दूरी पे थन, बहुत अच्छे। तो बताइए जी इसके बारे में, सबसे पहले तो ये कितने दूध दे देती है, क्या दूध देती है ये, और कौन से लैक्टेशन में ये चली हुई है? अब की बार ये थर्ड लैक्टेशन में बच्चे को जन्म देगी, पहले 2 बार बच्चों को जन्म दे सकती है। इससे पहले एक बच्चा है इसका मेल काफ था, वो मैंने सेल कर दिया। अब के बाद का ये बच्चा है अर्जुन कुंवर का मेल काफ है ये, अब की बार ये अभी मैंने उसे प्रेग्नेंट है। भाई साहब ने जो बताया, सबसे पहले भी इसने मेल काप दिया था, थर्ड बार ब्याई हुई है। पहले ब्यात में जो बच्चा था वो भाई साहब ने सेल कर दिया, दूसरे ब्यात का बच्चा जो है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये इसका मेल काप जो है, तो इसके बारे में बताइए जी। ये भैया अर्जुन कुंगड़ का बच्चा है, ये अर्जुन कुंगड़ का जो सीमन भाई साहब ने लगवाया था, अर्जुन का बच्चा है। तो देखिए, मैं बच्चे की बात करूं तो सींग क्वालिटी का भी बहुत अच्छा है, और मैं इसके पैरों की बात करूं तो बिल्कुल आप देख सकते हो बहुत ही मोटे सटीक और सीधे पैर, और आगे से गर्दन की जो लंबाई है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मैं इसकी सबसे पहले टेस्टिकल की बात करूँ तो फिलहाल टेस्टिकल थोड़े सुकरे हुए जरूर हैं, बाकी बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टिकल। और इसकी हाइट लेंथ की बात करूं तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और इतनी हाइट लेंथ कितना, कितने टाइम का हो गया जी, कितना? भैया ये आने वाली ये 13 तारीख को 1 साल का पूरा हो जाएगा। आने वाली 13 तारीख को ये एक साल का पूरा होगा। माँ भी साथ बंधी हुई है, माँ भी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, जो कि अभी बच्चे को जन्म देने वाली है 2-4 दिन के अंदर। तो भाई साहब इसके बारे में और बताएं विस्तार से।
भैया अगर किसी किसी को भाई को ये पसंद आता है और कोई इसको लेना चाहता है तो फुल प्रूफ देंगे अर्जुन कुंगड़ का, पूरे सबूत के साथ बच्चे को सेल करेंगे। चाहे तो कोई डीएनए टेस्ट भी करा सकता है, डीएनए टेस्ट तक भी हम जिम्मेदार होंगे फुल प्रूफ के साथ। सिट्रा वगैरह जहाँ से भी सीमन लिया है, दीपक शाह से सीमन आया है, पूरा प्रूफ है इसका। बहुत बहुत अच्छी बात जो भाई साहब ने बताई, पूरे प्रूफ के साथ बच्चा आपको जो जिस किसी भाई को लेना है वो देख सकता है और भाई साहब से बात कर सकता है। भाई साहब के नंबर भी स्क्रीन पे चले हुए हैं, तो आप जिस किसी को पसंद आए वो देखे। एक बार इसकी माप फिर दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही बहुत अच्छी। तो जो जैसा है भाई साहब, एक बार इसके बारे में फिर दोबारा से बताएं कि अब कौन से बुल से आपने प्रेग्नेंट करा रखी है? भैया ये हिसार बोवाइन के अभिमन्यु बुल से प्रेग्नेंट है, जिसका मिल्क यील्ड बहुत अच्छी है। सिंगवा खास से लिया हुआ गया बच्चा है, सरकारी बुल है, और उसका 5881 लीटर का मिल्क रिकॉर्ड है उसकी माँ का, अभिमन्यु की का, और PC 461 का बच्चा है वो। PC 461 का अभिमन्यु बच्चा है और बहुत ही अच्छे ब्लड लाइन से है, जो कि मैं कहूँगा सिंगवा खास गांव, जो जहाँ से मुर्रा का निकार है, जहाँ से मुर्रा की उत्पत्ति है, जहाँ से मुर्रा पैदा हुई है और चली है। सिंगवा खास गांव की भाई एक ये अहमियत है, उसने ना मुर्रा को ऐसी पहचान दिलाई है पूरे विश्व में, सिंगवा खास का नाम बहुत ऊपर है जी। सबसे पहले 25.5 लाख की जो भैंस सेल हुई थी, जो लक्ष्मी आंध्रा गई थी, वो सिंगवा खास से ही गई। बहुत अच्छा ब्रीडिंग के मामले में, पशुपालन के मामले में सिंगवा खास एक नाम है, ब्रांड है अपने आप पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं, ये सिंगवा खास से जो बच्चा गया था, जो कि हिसार बोइंस सर्विस स्टेशन जो है उसमें जो अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उससे अभिमन्यु बुल से ये प्रेग्नेंट है। और पहले ब्यात का आपको ये अर्जुन का बेटा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है। तो भाई साहब को, तो भाई साहब बफेलो तो सेल नहीं करनी? नहीं भाई साहब, ये तो ब्रीडिंग के लिए, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, कोई भैंस के लिए फोन ना करे, भैंस मेरे को सेल नहीं करनी है, ये तो सिर्फ ब्रीडिंग के पर्पस से रखी हुई है, बच्चा सेल करना। तो कितना मिल्क रिकॉर्ड है जी इसका, मिल्क रिकॉर्ड भी बताइए भैया। आपकी बारिश ने 18 kg दूध दिया है, दूसरे ब्यात में 18 kg दूध दिया है, कांटे के तोल का। और कोई भाई संतुष्टि करना चाहे तो बस ये 2-4 दिन में बच्चे को देने वाली है। मैं बताऊंगा भाइयों को कि जो भाई का पर्पज था वो बेचने के लिए, पहले से ही फोन तो काफी आ रहे थे, मगर इनकी च्वाइस थी कि जो कोई भाई दूध भी देखना चाहे तो वो मौके पे आप दूध भी देख सकता है। 2-4 दिन में इसकी माँ ब्यालेगी और बच्चे को जन्म दे देगी, तो उसके बाद आप अपनी फुल संतुष्टि करके ही बच्चा खरीद सकते हैं। तो इसकी क्या डिमांड है जी आपकी? डिमांड तो भाई अभी आज की तारीख में कोई बच्चे का लेगा तो 35,000 रुपए में सेल कर देंगे फिलहाल, मात्र 35,000 रुपए जो भाई ने इसकी डिमांड की है वो बहुत ही काबिलियत तारीफ, और मैं कहूंगा कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस। और मैं एक चीज बोलूं कि आज के टाइम में इतनी कम उम्र का अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पलवल में तो शायद ही कोई बच्चा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्जुन के जो बच्चे हैं वो ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं, तो बहुत ही बेस्ट बच्चा है। जिस किसी भाई को ये पसंद आए तो भाई साहब से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मात्र 35,000 रुपये भाई साहब ने, मैं कहूंगा इतने से ज्यादा का तो शायद दूध ही पिला दिया होगा। दूध की बात करें तो भैया दूध के पैसे तो इसके कभी पूरे होते नहीं है जी, मैंने अगाड़ी तो इसको सारी इसी को पिलाई है, और जब से दाने चारे पे लग गया। अगाड़ी में कितना दूध है जी? अगाड़ी में इसके लगभग 2 किलो के आसपास की अगाड़ी है, 2 से 2.5 किलो के बीच, 2 से 2.5 kg की अगाड़ी है। मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी जो अगाड़ी है, पूरे ब्यात की अगाड़ी तो इसी ने ही पी है। तो देखें, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम जी।